हमने कल ही कह दिया है, आप उनके पास कागज लेके तो जाओ, ठीक है, और बाकी हम साथी में लेबर को दिक्कत लगे बता दूंगा, ठीक है। बाबा रामदेव ने कहा है कि हमारी तरह जिन लोगों ने शादी नहीं की उनको विशेष रूप से सम्मान देना चाहिए, और जिन्होंने शादी की और उनके दो बच्चे से ज़्यादा हैं तो उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। किस तरह से देखते हैं? जाके पैर फटे बेवाई सो ही जाने पीर परवाई पराई। अगर वो भगवान राम को मानते हैं तो भगवान राम को क्यों नहीं वो मना कर देते? वो इतिहास पढ़ें, जितने भी इस देश में भगवान पैदा हुए हैं उनके सृष्टि बनाने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए, और बाबा रामदेव जी को मैं क्या कहूँ, बाबा रामदेव भी इस देश में झूठ बोलने के नंबर एक के माहिर हैं। उन्होंने भी वादा किया था कि हम बीजेपी की सरकार बनाओ और आपके खाते में 15 लाख आएंगे, तो अगर बीजेपी तो नहीं दे पाई, उनके पास तो बड़ा बड़ा धन है, वही इस देश के गरीबों के खाते में क्यों नहीं 15 लाख भेज देते? उनके जो बात है वो संविधान से हट करके है। संविधान ये नहीं कहता है कि आप जो शादी किया है, जो शादी नहीं किया है, उनको वोट देने न देने के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो व्यवस्था बनाई है, जिसकी उम्र 18 साल हो गई, वो वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया तो वोट देने का अधिकारी हो गया है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, चाहे बाबा रामदेव हों चाहे कोनो देव हों।